नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। 18 मार्च गुरुवार को गुरुग्राम की जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने मंडल प्रवास के अपने दौरे पर मानेसर मंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है, संगठन को और मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भाजपा में हमेशा कार्यकर्ताओं को ही महत्व दिया जाता है, जबकि अन्य दलों में परिवारवाद है। जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने कार्यकर्ताओं और सरकार में सामंजस्य बैठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सीधा संदेश भी दिया। कई घंटों तक चली इस बैठक में कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच लगातार समन्वय किस तरह से बैठाना है, इस पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने संघ परिवार के घर पर चाय और पूर्व मंडल अध्यक्ष के घर पर खाना खाया। साथ ही विचार परिवार के अधिकारियों के संग बैठना भी हुआ। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुई गार्गी कक्कड़ ने कहा कि भाजपा का पहला ध्येय है कि पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा करे। उन्होंने कहा कि PPP यानी परिवार पहचान पत्र के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इसे नहीं बनवाना चाहिए, इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की पहुँच सीधे सरकार तक हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए, सरकार की योजनाएं सीधे जनता तक पहुँचे, इस संबंध में आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया। बैठक में जिला महामंत्री मनीष गाडोली, जिला उपाध्यक्ष सोनाली मित्रा, सह मीडिया प्रभारी जितेंद्र चौहान, विधानसभा प्रभारी प्रवीण चंद्रा, मंडल प्रभारी जगदीश संबंत, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र यादव, मंडल महामंत्री डॉक्टर ए के शर्मा और नरेश कुमार, मंडल उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह और रविन्द्र सिंह, नाजिया, पंकज, मुकेश, सुधांशु, अशोक कुमार, बलवीर मास्टर, डॉक्टर धर्मेंद्र, सुरेंद्र, यशवीर यादव, अजीत यादव, मोहित, सम्राट, सोनू, जयपाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।